नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। रवि किशन को भोजपुरी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। वे भोजपुरी इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्हें वे एक फिल्म के लिए 50 लाख रुपए बतौर फीस चार्ज करते हैं। फिलहाल वे राजनीति में कदम रख चुके हैं। रवि किशन गोरखपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। पवन सिंह भोजपुरी के स्थापित सितारों में पहला नाम पवन सिंह का भी आता है। वे अपनी रोमांटिक फिल्मों की वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं। पवन सिंह के वीडियो और गाने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन सिंह एक फिल्म के लिए 45 लाख रुपए की फीस लेते हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सबसे चर्चित सितारों में खेसारी लाल यादव का नाम शुमार किया जाता है। उन्हें एक्शन कॉमेडी फिल्मों का राजा कहा जाता है। उनकी सुपरहिट फिल्मों में ज्यादातर फिल्में इसी जोनर की है। एक इंटरव्यू में खेसारी लाल ने बताया था कि वे फिल्मों में आने से पहले दूध बेचा करते थे। कड़े संघर्ष और लगन से उन्होंने आज यह मुकाम हासिल किया है। खेसारी लाल एक फिल्म के लिए 40 लाख रुपए लेते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी सिनेमा में दिनेश लाल यादव को पारिवारिक और देशभक्ति और ओरिएंटेड फिल्मों के लिए जाना जाता है। निरहुआ शुरुआती दिनों में वे निजी कार्यक्रमों में गीत गाते थे। वे लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वे आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे एक फिल्म के लिए करीब 35 से 40 लाख रुपए लेते हैं। मनोज तिवारी फिल्मों से दूर हैं। सिंगर से अभिनेता बने मनोज तिवारी अब फिल्मों से दूर हैं। वे अब पूरी तरह से राजनीति में उतर चुके हैं। मनोज तिवारी दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हैं। वे एक फिल्म में काम करने के लिए 50 लाख रुपए तक चार्ज करते रहे हैं।